तो वो लड़की पूजा है, बेटी पूजा है। अगर वो इंसान है तो वो इंसानियत है, अगर वो आरती है तो वो प्रसाद है, और ये दोनों सभी साथ साथ चले तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो ऐसी खुशियाँ हर घर में हो, ऐसी खुशियाँ हर मोहल्ले में हो। आरोग्य जागृति प्रणाम। 11 अक्टूबर ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिन के रूप में मनाया जाता है, यानी बेटी का स्वागत होना चाहिए, सेक्स रेशो इम्प्रूव होना चाहिए, बालिका के हक और अधिकार उनको प्राप्त होना चाहिए। इस उपलक्ष्य में पूरे विश्व में ये दिन मनाया जाता है। तो ऐसे ही हमने महाराष्ट्र में सबको आह्वान किया था कि अभी एक साल में जितनी भी बेटियां इस दुनिया में आई है, बेटियों का जन्म हुआ है, उन सभी बेटियों का सम्मान करें, सत्कार करें, और जिस माता ने इस बेटियों को जन्म दिया है उस माता का भी सम्मान करें। तो हर एक ग्राम पंचायत में, छोटे छोटे गांव में ये उपक्रम अभी आज हो रहा है, तो इसकी बड़ी खुशी है। और एक साथ में जब बेटियों के बारे में कुछ शुभ बात हो जाती है, जब उनका सम्मान और सत्कार होता है, तो एक वेव, एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है जो पूरी दुनिया में फैलती है। और इसी को मायने रखते हुए ये 11 अक्टूबर ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिन के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। 11 भी तारीख ऐसी आई है कि 1 and 1, यानी हम साथ साथ है का संदेश देने वाली है। और गए कुछ सालों पहले ही फॉर शी ये मोटो था ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था का, और ही फॉर शी यानी कि जो पुरुष है उन्होंने स्त्रियों के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी तरह ताकत होते हुए भी जो क्षमता से महिला काम कर सकती है उसको पूरा चांस नहीं दिया जाता है, इसके कारण वो थोड़ी सी दब जाती है। लेकिन अगर भाई लोगों ने, अगर पुरुष लोगों ने उनको आगे आने के लिए हेल्प की और उनको भी अपने साथ साथ लिया, तो जो विकास होना है, समाज का विकास, देश का विकास, मानवता का विकास, वो बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। देखो, एक अगर माँ शिक्षित हो गई और उसकी हेल्थ अच्छी हो गई, उसका आरोग्य निरोगी रहा, तो फिर वो बेटियों को भी पढ़ाएंगी, बच्चों को पढ़ाकर उनको अच्छी तरह पालना कर उनके ऊपर संस्कार कर वो छोटे से बड़े करेंगी। तो एक ये इन्हें माँ को पढ़ाना, यानी बेटी को पढ़ाना, क्योंकि आज की बेटी कल की माँ है, तो बेटियों को पढ़ाना, उनको शिक्षित करना, उनके स्वयं के पैर के ऊपर खड़ा रखना, ये एक इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया के लिए इन्वेस्टमेंट है, ना कि केवल कुछ देश के लिए, कुछ प्रांत के लिए नहीं, तो पूरे विश्व के लिए एक इन्वेस्टमेंट के रूप में है। अगर विश्व का विकास करना चाहते हैं तो हर घर में जो बेटी है, जो माँ है, उसका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, और उनको निर्णय प्रक्रिया में उनका भी सहभाग होना आवश्यक है, और उनकी भी शिक्षाएँ, पढ़ाई बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। तो ये इन्वेस्टमेंट हर घर में अगर हो जाएंगी तो फिर मानवता का ही विकास होने वाला है। मैं हमेशा ऐसा बोलती हूँ कि मंत्र और पूजा, आरती और प्रसाद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी वो मंत्र है ना, तो वो लड़की पूजा है, बेटी पूजा है। अगर वो इंसान है तो वो इंसानियत है, अगर वो आरती है तो वो प्रसाद है, और ये दोनों सभी साथ साथ चले तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो ऐसी खुशियाँ हर घर में हो, ऐसी खुशियाँ हर मोहल्ले में हो, हर ऐसी खुशियाँ पूरे विश्व में हो, ऐसी शुभकामना मैं इस दिन के उपलक्ष्य में देती हूँ कि बेटी नहीं तो बहू कहाँ से लाएंगे। अगर बेटी ही का ही पैदाइश नहीं हुई तो बहू तो भी कहाँ से लाएंगे, अगर बहू ही नहीं आई तो अगली पीढ़ी तो भी कैसे निर्माण होंगी। इसीलिए अगर हम परिवार को बचाना चाहते हैं, समाज को बचाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, विश्व को बचाना चाहते हैं, तो पहले बेटी को बचाना पड़ेगा, और इसी अभियान में आप सबने शामिल होना, ऐसी रिक्वेस्ट, ऐसी प्रार्थना मैं इस दिन के उपलक्ष्य में आप सबको करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
आरोग्य जागृति।